everyone, welcome to Shom's IAS. I am Shivangi Sharma and here we are with our 7th chapter of class 12th history, and the name of the chapter is the Imperial Capital of Vijayanagara. Okay, so this chapter we are going to study about Vijayanagara. Vijayanagara is basically a place, an empire, a city. This is a place that is a city bhi hai aur ek empire bhi hai, theek hai? So we are going to discuss this. So यहाँ पे हम 200 years का time span पढ़ने वाले हैं, which is from 14th to 16th century. Okay? So yes, come on, let's begin with the chapter. So Vijayanagara. विजयनगर का मतलब होता है a city of victory. विजय का क्या मतलब होता है? विजय मतलब जीत. विजय is victory, right? The city of victory, ठीक है? So ये विजयनगर एक empire भी था, साथ में एक city भी था, ठीक है? So ये empire 14th century में जो empire establish हुआ था, बना था, ठीक है? मतलब बना तो नहीं था, मतलब ढूंढा गया था, जब फाउंड हुआ, जब ढूंढा गया, that was in 14th century, ठीक है? जो कि रिवर, अगर नॉर्थ की तरफ में हम देखें तो वो रिवर कृष्णा से शुरू होता है, और एक्सट्रीम साउथ अगर हम इसका देखें तो वो पेनिनसुला तक जाता है, ठीक है? So 1565 में ये सिटी में जो है बहुत डिजर्ट हो गया था, मतलब सूखा जैसा पड़ गया था, ठीक है? तो 17th और 18th सेंचुरी में आते आते जिसकी वजह से जो सिटी है वो बर्बाद हो गई, ठीक है? तो अब जो भी लोग थे, ठीक है, मतलब जो भी लोग वहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा जो वहाँ पे रहा करते थे, उन्होंने जो भी उसकी मेमोरीज में लिखी वो एक चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता है विजयनगर के बारे में. सो एक और हमें ये चीज़ पता चली कि वो जो लोग थे वो विजयनगर को हम्पी भी बोलते थे. क्या बोलते थे? हम्पी, ठीक है. सो ये नाम विजयनगर को इसलिए मिला था क्योंकि वहाँ की जो लोकल मदर गॉडेस थी, यानी कि जो कुल देवी थी वहाँ की, ठीक है, उस जगह की, उनका नाम था पंपा देवी, ठीक है. सोने के नाम के आगे जो है हम्पी, विजयनगर का नाम हम्पी दे दिया गया था, ठीक है. सो आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी मॉन्यूमेंट्स मिले, काफ़ी इंस्क्रिप्शंस मिले, और भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड मिले, जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर को हम लोगों ने फिर से रीडिस्कवर करा, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ हम्पी. सो हम्पी कैसे बर्बाद हुआ, कैसे हम्पी में मतलब इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ी सिटी थी वो, फिर भी वो कैसे बर्बाद होगी, इस चीज़ के बारे में लाइट डाली थी एक इंजीनियर और एंटीक्वेरियन ने, जिनका नाम था कॉलोनियर कॉलिन मैकेंजी, ठीक है. सो एंटीक्वेरियन क्या होते हैं? एंटीक्वेरियन वो लोग होते हैं जिनको मतलब एंटीक चीज़ों के बारे में पढ़ना पसंद है, ठीक है. सो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय थे, ठीक है. सो उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम जो है इस जगह का एक सर्वे मैप भी बनाया था, ठीक है. सो ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको मिली है जिससे हमें यह चीज़ पता चली कि वहाँ पर वीरूपक्षा हैं, उनके बहुत बड़े बड़े टेम्पल हैं और बहुत बड़े श्राइन्स भी हैं. किसकी? पंपा देवी की, ठीक है. सब्सिक्वेंटली 1856 में जो फोटोग्राफर है, उन्होंने सारे मॉन्यूमेंट्स के जो भी मॉन्यूमेंट्स मिलते थे उनके फ़ोटो वो लोग क्लिक करने लग गए ताकि जो भी स्कॉलर्स हैं वो उनको पढ़ सके, ठीक है. 1836 में काफ़ी एपिग्राफिस थे जिन्होंने काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस को मतलब कलेक्ट करना शुरू करा, ठीक है. और काफ़ी जो है हम्पी में जो इतने मंदिर और जो स्क्राइब्स थे, ठीक है, जो श्राइन्स थे उनसे भी हमें मिले, ठीक है. सो उसके बाद काफ़ी उस टाइम पर बिकॉज इट वाज अ सिटी, सो मैनी ट्रेडर्स, मैनी ट्रैवलर्स और काफ़ी लिटरेचर जो मतलब जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो जो है काफ़ी ट्रैवल किया करते थे, ठीक है. तो हम्पी में तो उधर भी उन्होंने काफ़ी सारा लिटरेचर ऐसे लिखा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और संस्कृत, जिसमें वो सिटी की हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे. वो बता रहे थे कि सिटी कैसी है, ठीक है. सो जो भी एक इट वॉज अ सोर्स फॉर अस, ठीक है. सो रायकाज, नायकाज एंड सुल्तान्स, ठीक है. सो सुल्तान वर्ड से तो हम लोग फेमिलियर है, बट रायकाज और नायकाज ये क्या होता है, वी विल डिस्कस इन दिस, ठीक है. सो जो भी ट्रेडिशंस है और जो भी एपिग्राफिक एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को बनाया था 1336 में, ठीक है. सो ये जो एम्पायर है इसमें लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते थे, ठीक है. सो अपेरेंटली इस चीज़ से ये तो हमें पता चल गया कि वहाँ पर जो है हो सकता है कि डिफरेंसेस भी हो, सोशल डिफरेंसेस, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेजेस अलग अलग थी और इस टाइम पे जब राजा वगैरह का सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे तो ऑफकोर्स सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है. सो नॉर्दर्न फ्रंटियर में जो विजयनगर के किंग्स थे उन्होंने मतलब वो कंटेम्प्रेरी रूल में कम्पीट किया करते थे, जिसमें डिक्कन,
मतलब जो डेक्कन के जो राजा है उनको सुल्तान बोला जाता था, फिर उड़ीसा के जो राजा थे उन लोगों को गजपति बोला जाता था, ठीक है। सो उन्होंने इन लोगों के साथ भी मतलब हम बोल सकते कि एक मतलब कंटेम्प्रेरी बना के रखी थी, ठीक है। सो ताकि वो रिवर, मतलब देखो वो इसीलिए ज़्यादा फाइट किया करते थे, इसीलिए ज़्यादा लड़ाई किया करते थे, ताकि जो फर्टाइल लैंड है मतलब रिवर वैली के पास की जो लैंड है वो ऑफकोर्स फर्टाइल होगी, वो वाली लैंड मिल जाए और वो ओवरसीज ट्रेड के लिए भी एक सोर्स वो हो जाएगा अगर रिवर के पास वाली लैंड मिल जाएगी तो, ठीक है। सेम टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़ाई होती थी, काफ़ी ऐसे थे कि जो फेमिलियर थे, जो कि फ्रेंड्स भी थे, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी बोल सकते हैं रूलर्स है या डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स है, ये सेम आइडियाज़ भी शेयर करते थे। स्पेशली अगर आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करें तो मैक्सिमम जो उस टाइम के जो भी ये हम्पी के साथ साथ जो भी रूलर्स जो भी और एम्पायर्स थे उसमें सेम हमें ये मतलब आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब विजयनगर, मतलब विजयनगर के जो रूलर्स थे, ठीक है। सो विजयनगर बहुत बड़ी जगह थी, इसीलिए छोटी छोटी जगहों पर डिवाइड करके उन वहाँ पर राजा लोग हुआ करते थे, जैसे हमने पहले भी पढ़ाई कि पुराने चैप्टर्स में ऐसे ऐसे हुआ करता था वैसे ही, ठीक है। सो जब ये डिफरेंट डिफरेंट राजा लोग हुआ करते थे विजयनगर में, तो वो अपना कॉन्सेप्ट कभी कभी शेयर कर लेते थे और आर्किटेक्चर को भी डिस्कस कर लिया करते थे, ठीक है। सो काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमें बहुत ही मतलब हाई लेवल में डेवलपमेंट देखने को मिला पावरफुल स्टेट्स में, ठीक है। जैसे कि जो कि तमिलनाडु में जो चोलास थे और कर्नाटक में जो होयसलास थे, उन्होंने जैसे ग्रोथ पकड़ी थी ना, वैसे ही इन्होंने भी ग्रोथ पकड़ी, ठीक है। सो ये जो रूलिंग एलाइट्स थे ये ना अपना ये दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने अमीर हैं, ये दिखाने के लिए ये बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाया करते थे। और चोलास और होयसलास के अंदर बृहदीश्वरम टेम्पल थन जो कि थंजावुर में है, ठीक है। और चेन्नकाश्वा टेम्पल एट बेलूर, ये भी इन लोगों ने बनाया था, ठीक है। द रूलर्स ऑफ विजयनगरा, विजयनगरा के जो रूलर्स थे उनको रायास बोला जाता था, ठीक है। सो रायास क्या होते हैं उससे भी हमें पता चल गया, राइट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो राजा है उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बोली जाती थी, वैसे यहाँ पे विजयनगर में जो राजा थे उनको राया बोला जाता था, ठीक है। सो अब बेसिकली ये इसीलिए था क्योंकि देखो राया वर्ड इनको इसीलिए दिया जाता था क्योंकि ये ना मतलब बहुत ही हम बोल सकते हैं ना ऊंची ऊंचे लोग होते हैं राजा वगैरह, ऑफकोर्स और पूरी प्रजा से ऊपर होता है, डैट इज वाई, ठीक है। सो किंग्स एंड ट्रेडर्स, देखो उस टाइम पे अरेबिया और सेंट्रल एशिया से हॉर्सेस बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवाए जाने लग गए थे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल किंगडम बन गया था। ट्रेड जो है वो अरब ट्रेडर ही कंट्रोल कर रहे थे। लोकल कम्युनिटीज़ के जो मर्चेंट थे जैसे कि कुंदरई चेती, मतलब जो मर्चेंट्स थे वो ना जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे वो अपनी कमेटीज़ बना रहे थे, जैसे कि कुंदरई चेती जिनको हॉर्स मर्चेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये भी एक्सचेंज वगैरह किया करते थे। सो 1498 में ये जो कुछ ऐसे एक्टर्स बोल सकते हैं कि कुछ लोग आए, ठीक है, पोर्तुगीज़ लोग आए 1947 में, जो कि वेस्ट को मतलब सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में वो लोग आए थे, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पर अपनी ट्रेडिंग और मिलिट्री स्टेशन एस्टेब्लिश करने का अटेम्प्ट किया था, ठीक है। सो उनकी जो इतनी सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो सुपीरियर थी, ठीक है, हमारे कंपेरिजन में, स्पेशली वहाँ पे मतलब उनकी। और वो ना जब क्योंकि उनका जो मतलब टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस थी, तो धीरे धीरे वो उनका ट्रेड फैलने लग गया और वो लोग अमीर हो गए इंडिया में आके। तो फिर उन्होंने जो पॉलिटिक्स है मतलब जगह की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे भी टांग अड़ाना उन्होंने थी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी थी, ठीक है। सो खासकर अगर हम विजयनगर की बात करें तो विजयनगर में, विजयनगर को अपने मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था, जहाँ पे विजयनगर के मार्केट में क्या क्या मिलता था, स्पाइसेस, स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले मिला करते थे, टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े मिला करते थे, और प्रीशियस स्टोन्स के इन तीन चीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उसके अलावा और चीज़ें भी मिलती थी, ठीक है। और ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रेड जो है ना वो एक स्टेटस सिंबल था ऐसी सिटीज़ के लिए, ठीक है। मतलब जहाँ की वेल्दी पॉपुलेशन है वहाँ के लोग ज़्यादा ट्रेड किया करेंगे, राइट। इसके लिए ट्रेड जो है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था। स्पेशली ज़्यादातर जो प्रीशियस स्टोन और ज्वेलरी है ये तो ऑफकोर्स अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, जो कि मतलब जिनका स्टेटस थोड़ा हाई है, ठीक है, हर मिडिल क्लास लोग तो नहीं खरीद सकते थे उस टाइम पे, ठीक है। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द अपोजी एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। देखो जो फर्स्ट
डायनेस्टी है उसको संगम डायनेस्टी बोला जाता है, जिसका कंट्रोल 1485 तक रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है उनके बाद सुलवाज आए, जो कि मिलिट्री कमांडर्स थे, जिन्होंने 1503 तक अपना अपना पावर टिका के रखा था। उसके बाद तुलुवाज आए, ठीक है, और जो कृष्णदेव राय हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस रूलर रह चुके, कृष्णदेव राय भी तुलुवा डायनेस्टी को ही बिलोंग किया करते थे, ठीक है। सो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी के बाद सुलवा डायनेस्टी आया, और जो सुलवास थे वो मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे, ठीक है, जिन्होंने भी काफ़ी टाइम तक अपना राज जमा के रखा। उसके बाद तुलवाज आए, कौन आए, तुलवाज, और तुलवाज में से एक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस राजा है उनका नाम है कृष्णदेव राय, ठीक है। सो कृष्णदेव राय के बारे में हम यहाँ पर और पढ़ लेते हैं। सो कृष्णदेव राय को मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब कृष्णदेव राय के अंडर हम्पी का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मतलब हम्पी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया था, ठीक है, कि वो टाइम है जब तुंगभद्रा और कावेरी रिवर का जो बीच की जगह है, ठीक है, वो भी उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, उड़ीसा को भी उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। उसके बाद उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को हराया और वो एरिया भी अपने अंडर कर लिया, ठीक है। सो जब इतना बड़ा जगह, इतनी बड़ी जगह थी, तो ऑफकोर्स मिलिट्री के लिए भी तो प्रिपेयर ना होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी लड़ाई हो सकती है, ठीक है। सो इतने बड़ी जगह को अगर प्रोटेक्ट करके रखना है तो मिलिट्री की भी ज़रूरत थी। सो मिलिट्री कृष्णदेव राय के अंडर मिलिट्री हमेशा रेडी रहती थी, इट वॉज लाइक 100 on 100, जब भी कृष्णदेव राय बोला तब किंगडम, मतलब तब भी बिल्कुल मिलिट्री तैयार रहती थी, ठीक है, मतलब मिलिट्री जो थी वो बिल्कुल ही ज़्यादा प्रिपेयर हुआ करती थी। इतना सब कुछ था वहाँ पर, बट फिर भी कृष्णदेव राय के अंडर, कृष्णदेव राय का जो रूल था उसके अंडर बहुत ही ज़्यादा पीस और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी भी थी, ठीक है। अगर वॉर वगैरह हो तो नॉर्मल पीपल को बिल्कुल भी हार्म नहीं होता था, ठीक है। कृष्णदेव राय और भी ज़्यादा उनको काफ़ी क्रेडिट किया दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही फाइन फाइन टेम्पल्स भी बनवाए थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव गोपुरम्स बनाए थे, ठीक है, खासकर साउथ इंडियन टेम्पल्स पे। सो गोपुरम्स क्या होते हैं, सो जैसे यहाँ पे जगह भी नहीं है, हाँ इधर मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी मंदिर होता है, ठीक है, सो सपोज दिस इज़ अ टेम्पल, ठीक है, सो टेम्पल का जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, राइट। सो टेम्पल का जो गर्भगृह होती है, यानी कि जहाँ पे जो है भगवान जी की मूर्ति स्थापित होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इधर पे जो है वो गर्भगृह है, तो गर्भगृह के ऊपर जो है ऐसा एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर में बना दिया जाता है पिरामिड सा, ताकि वो दूर से ही दिखे कि हाँ वहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है। सो ऐसे और एक ऊपर से ऐसी बड़ी सी स्ट्रक्चर बना दी जाती थी, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप की, जिसको क्या बोला जाता है, गोपुरम, ठीक है, हाँ ठीक है। सो इसलिए उनने साउथ इंडियन टेम्पल में उन्होंने इतनी इम्प्रेसिव और सुंदर सुंदर गोपुरम्स बनाए थे, ठीक है। सो उसके बाद उन्होंने मतलब विजयनगर के पास एक छोटा सा टाउन भी बनवा दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा नगालापुरम आफ्टर हिज मदर, उन्होंने अपने मदर के नाम के आगे, ठीक है, मतलब उन्होंने लड़ाई करी, वो जगह वो जीत गए, उसके बाद उन्होंने उसको नगालापुरम बना दिया था अपने मदर के नाम के बाद, ठीक है। सो सब कुछ सही चल रहा था कृष्णदेव राय के अंडर, बट 1529 आते आते कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है, ठीक है। बट फिर उनके बाद जो उनके सक्सेसर्स आते हैं ना, फिर उनको जो नायकास होते हैं मिलिट्री चीफ्स, ठीक है। सो अब हमने क्या था चैप्टर उसमें, ठीक है, नायकास भी हमने पढ़ लिए। अब नायका कौन होते थे, मिलिट्री चीफ्स। तो जैसे जैसे कृष्णदेव राय की डेथ हो गई, उसके बाद उनके जो भी सक्सेसर्स आए, नायका उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, उनको बहुत ही मतलब वो रिबेलियस हो गए थे, वो उनके खिलाफ जाते थे, ठीक है। सो 1542 में काफ़ी ये ऐसी जगहें थी, मतलब जहाँ पर जो सेंटर था, मतलब कंट्रोल सेंटर था, वो शिफ्ट हो गया, कहाँ, अरावीडू में वो शिफ्ट हो गया, ठीक है, जो कि एक और रूलिंग लीनेज था, जिसकी वजह से 17th century आते आते जो पावर थी हम्पी के पास, वो पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। इस पीरियड के दौरान मतलब हम्पी बर्बाद हुई, इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनके जो चीफ मिनिस्टर्स है ना, अंदर के जो लोग हैं, ठीक है, उन्हीं जो मतलब अलाइंस है, उन्हीं में इतना ज़्यादा लड़ाई होने लग गई, जो सल्तनत थे उन्होंने अलाइंस बना दी, फिर उन्होंने विजयनगर के खिलाफ लड़ाई करनी शुरू कर दी। मतलब अंदर एक तो खोट थी, साथ में जब इतना हार गया विजयनगर, तो बाहर की जो भी कंट्रीज थी उन्होंने अलाइंस बनाई, वो साथ में लड़ाई की, साथ हो गए, और वो विजयनगर में उन्होंने
मतलब हमला तोड़ दिया, ठीक है। सो 1565 में रामा राय जो विजयनगर के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस टाइम पे राक्षसी तंगड़ी, ठीक है, राक्षसी तंगड़ी में जो है एक लड़ाई हुई, जहाँ पे ऑफ कोर्स वो हार गए, बिकॉज बिल्कुल भी अब मेंटेनेंस नहीं था, बट आर्मी तो इतने पास थी, बट जो अलाइंस थी ना, इतनी सारी कंट्रीज, इतनी सारी सिटीज इकट्ठी हो गई जब उन्होंने लड़ाई करी, जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, सो ये सारी जगह इन्होंने इकट्ठे होके जब इन्होंने अटैक करा, तो ऑफकोर्स हम लोग हार गए, हम लोग मतलब हम्पी वाले लोग हार गए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो भी मतलब जब हम्पी विजयनगर हार गया, फिर उन्होंने विजयनगर में जाके डाका डाला, और जो भी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ें, प्रीशियस प्रीशियस चीज़ें, वो चुरा के ले आए, ठीक है। सो आने वाले फिर कुछ सालों में सिटी बिल्कुल ही ज़्यादा बर्बाद हो गई थी, ठीक है। सो अब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि द आर्मी ऑफ सुल्तान वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी ऑफ विजयनगरा। देखो, जो बाहर के सुल्तान और जो रायास थे ना, वो ऐसा नहीं है कि कृष्णदेव राय के साथ उनकी दुश्मनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्णदेव राय के होते होते उनका बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, कृष्णदेव राय भी उनकी हेल्प करते थे, वो भी कृष्णदेव राय की हेल्प किया करते थे कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने सल्तनत को ये दिखाने के लिए कि सल्तनत को वो कितना सपोर्ट करते हैं और कितनी पावर उनके पास है, उन्होंने यवना किंगडम बनाया था। यवना किंगडम सल्तनत का एक था, ठीक है, वहाँ पे सुल्तान से रूल किया करते थे। वो किसने एस्टेब्लिश किया था? वो कृष्णदेव राय ने ही एस्टेब्लिश किया था, इसलिए उनको एस्टेब्लिशर ऑफ यवना किंगडम का भी टाइटल दिया गया था। सिमिलरली बीजापुर के जो सुल्तान हैं, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें देखी, वो भी कृष्णदेव राय के बाद, जब विजयनगर बर्बाद, मतलब जब उन्हें लगा कि कृष्णदेव राय की तो डेथ हो गई है, तो बिल्कुल अचानक से तो नहीं सब कुछ ख़त्म हुआ ना, सो जब धीरे धीरे चीज़ें डिक्लाइन होने लग गई, तो उस टाइम पे बीजापुर के जो सुल्तान थे, उन्होंने विजयनगर की काफ़ी हेल्प करी थी, की थी कि शायद थोड़ा सा उनको फाइनेंशियल हेल्प करके अगर चीज़ें सुधर जाती हो तो, बट ऐसा नहीं हुआ था। जब उन्होंने देखा कि जो विजयनगर की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो ही चुकी है, तो क्यों ना मतलब जस्ट फ़ायदा हम भी उठा ले, वैसे तो हेल्प किया करते थे, तो उनको पता था कि अब स्टेबिलिटी इतनी ख़राब हो गई, तो उन्होंने कैसे न कैसे तो हार ही जाना है। सो इसलिए वो लोग, उन्होंने अलाइंस बनाई, उन्होंने अटैक करा, और बाद में उन्होंने उनको हरा भी दिया, ठीक है। द रायाज एंड द नाइकास। देखो, जो मिलिट्री चीफ हुआ कर, देखो उस एम्पायर का एक बहुत ही ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोर्टिफाइड वो जगह हुआ करती थी, ठीक है, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। बट यहाँ पे देखो, एम्पायर में कुछ मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे, जो कि फोर्स को कंट्रोल किया करते थे, और आर्म्ड सपोर्टर्स भी वो हुआ करते थे, ठीक है। सो ये जो चीफ है, ये एरिया टू एरिया ट्रैवल करते रहते थे, ये जगह चेंज करते रहते थे, ठीक है। सो काफ़ी जगहों पे जो पीजेंट्स थे ना, वो भी इनके साथ साथ जाते थे, जहाँ जहाँ ये नायकाज और जहाँ जहाँ चीफ जाते थे, ठीक है, कि शायद क्योंकि वो जहाँ जहाँ के रुकेंगे, वो ऑफकोर्स फर्टाइल लैंड होगी, तो वो वहाँ जाके वो मतलब उनके लिए थोड़ा काम कर लेंगे, ठीक है। सो ये जो चीफ्स थे, इनको नायकास बोला जाता था, ये यूजुअली तेलुगु या कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। सो ये जो नायकास थे, इनकी मतलब ये किंग के अथॉरिटी के अंदर काम किया करते थे, बट कभी कभी ऐसा होता था, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा, कि ये जो मिनिस्टर्स थे, जैसे कि नायकास, जब इनके पास पावर बढ़ जाती थी, तो ये राजा को ही अटैक, राजा के खिलाफ जाके अपना खुद राजा बन जाया करते थे, और मिलिट्री एक्शन बना दिया करते थे, ठीक है। सो द अमारा नायका सिस्टम एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन थी विजयनगर एम्पायर की, ठीक है। ये जैसा इकता सिस्टम था ना दिल्ली सल्तनत का, वैसे ये सिस्टम भी था। सो इकता सिस्टम में क्या था कि जो राजा है, वो जो भी उनके चीफ्स हुआ करते थे, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक अथॉरिटी दे देते थे कि वो जाके जो है वो टैक्स कलेक्ट करे, ताकि मिलिट्री को मतलब मेंटेन करके रख सके। तो सेम यहीं पर भी था, ठीक है। सो जो अमारा नायका थे, वो मिलिट्री कमांडर्स थे, जो कि राया उनको गवर्न किया करते थे। सो उनका मेन काम होता था कि वो जाके टैक्स कलेक्ट करे पीजेंट से, क्राफ्ट पेन से, और एरिया में जो जो ट्रेडर्स है उनसे, ठीक है। फिर बाद में ये क्या करते थे, जो भी इनके पास आता था पूरा, उसमें से थोड़ा सा ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेते थे, और बाकी जो सारा था वो अपना हॉर्सेज, एलिफेंट्स को मेंटेन करने के लिए रख लेते थे, ठीक है। मतलब उन्हीं के लिए, उन्हीं का ये होता था, ठीक है। सो ये इसीलिए, क्योंकि विजयनगर के जो किंग्स है, वो कभी भी फाइट के लिए, अगर इफेक्टिव फाइट हो, तो उनके माइंडसेट ये था कि लड़ाई कभी भी हो सकती है, तो जो आर्मी है वो पहले से ही मेंटेन्ड होनी चाहिए। सो इसीलिए वो जो है ये मतलब उनको पैसे देते कर, उनको बोला जाता था कि तुम पूरा टैक्स कलेक्ट करो, और फिर जाके जो है उसका
मतलब उसको यूज़ करना अपनी आर्मी मेंटेन करने में, ठीक है। तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रखते थे उस टाइम पे। और वहाँ पे और भी चीज़ हमें देखने को मिली कि रेवेन्यू का और ज़्यादा जो रेवेन्यू ये आता था, ये कुछ इनमें इस रेवेन्यू में से कुछ रेवेन्यू और चीज़ों के लिए भी जाता था, जैसे टेम्पल्स की मेंटेनेंस में कि टेम्पल्स भी बन जाए, और इरिगेशन वर्क, ठीक है। इरिगेशन वर्क की भी, इरिगेशन वर्क के लिए भी ये जो फंड है ये जाया करता था, ठीक है। जो अमारा नायकास थे ये ना, इनको ना साल में मतलब जो है जब भी को भी फंक्शन आता था तब इनको किंग्स को एक गिफ्ट देना पड़ता था अपनी लॉयलिटी एक्सप्रेस करने के लिए और बताने के लिए कि हाँ हम अपना काम जो है वो रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे नायकास थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम बाद में बना लिया जब उनके पास पावर आ गई, और मतलब 17th सेंचुरी के बाद जब हम्पी जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया था, ठीक है। विजयनगरा द कैपिटल एंड इट्स एनवायरंस, सबसे पहले आता है वाटर रिसोर्सेज, जो एक ही बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाइक अटेंशन सीकिंग जो फीचर था विजयनगर के बारे में वो था इट्स नेचुरल बेसिन। एक नेचुरल बेसिन बना हुआ था तुंगभद्रा रिवर से जो कि नॉर्थ ईस्टली डायरेक्शन में जाता था, ठीक है। लगभग हर जगहों पे जो है वो रिजर्वियर्स बनाए गए थे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, ताकि बारिश का पानी या जो भी पानी आता है उसको स्टोर करके रखा जा सके और जब भी ज़रूरत पड़े तब यूज़ की जा सके, ठीक है। उसके बाद ऐसे टैंक्स का इम्पोर्टेंस लाइक बढ़ रहा था कब, 15th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। और इनको क्या बोला जाने लग गया इस टाइम पे, कमलापुरम टैंक, ठीक है। अब ये सिर्फ मतलब ये जो पानी ये लोग इकट्ठा कर रहे थे ये सिर्फ इरिगेशन मतलब फील्ड को इरिगेट करने के लिए नहीं था, बट रॉयल सेंटर्स में भी एक चैनल इनसे बन जाता था, तो अब जो लोग हैं वो भी आपस में कनेक्ट हो जाते थे, ठीक है। ऐसे ही जो बहुत प्रोमिनेंट वाटर वर्क है वो हमें हिरिया कैनाल में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कैनाल जो है वो तुंगभद्रा डैम के अक्रॉस से फिर जो भी वैलीज है उनको कल्टीवेट करके जो सेकर्ड सेंटर है वहाँ तक जाता था। सेकर्ड सेंटर और अर्बन कोर, यहाँ पे दो ऐसे सेंटर है, ठीक है, वो भी हम अभी पढ़ लेंगे। ठीक है। और बात जिसकी वजह से जो है ये मतलब संगम डायनेस्टी के जो किंग्स है वहाँ तक भी ये कनेक्ट होता था। सेक्योर्ड सेंटर में और अर्बन कोर में क्या डिफरेंस है कि अर्बन कोर में सारे नॉर्मल लोग, सिटी, मार्केट, ये सब कुछ जो है वो अर्बन कोर में आता था, और सेक्योर्ड सेंटर में महल, मंदिर, ये सब कुछ जो है सेक्योर्ड सेंटर में आया करता था। फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, देखो एक एक ऐसे एम्बेसडर थे जो कि एक रूलर, पर्शिया के जो रूलर थे उनके थ्रू उन्होंने उनको भेजा था, जिनका नाम था अब्दुल रजाक। 15th सेंचुरी में वो आए थे और वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे जब उन्होंने देखा कि हम्पी में यानी कि विजयनगर में फोर्टिफिकेशन इतना अच्छा किया गया है, और उन्होंने मेंशन किया 7 लाइन ऑफ फोर्ट, ठीक है। उन्होंने बताया कि फोर्ट्स की 7 लाइन्स है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो सबसे बाहर वाली वॉल है वो हिल सराउंड मतलब सिटी की जो हिल सराउंडिंग है उससे ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी बात नहीं है कि कोई मोटर या कोई भी सीमेंटिंग एजेंट्स इसमें यूज़ नहीं किया जाता था, ठीक है, बट स्टिल ये वॉल इतनी भी ज़्यादा कच्ची नहीं थी कि ये टूट ही जाए, मतलब बिना किसी सीमेंट की भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है। और ये जो वॉल्स है ये इसके अर्थ पैक रबल हुआ करते थे जो कि स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर शेप के हुआ करते थे, ठीक है। अब ये जो एरिया था इनको फोर्टिफाई क्यों किया गया, स्पेशली हमने ये चीज़ देखी कि जो एग्रीकल्चरल एरिया है उधर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोर्टिफाई किया गया है, तो वहाँ पे फोर्टिफाई क्यों किया गया, इसका रीज़न ये पता चला कि जो नॉर्मल देखो आते जाते जो भी रूलर्स अटैक करते थे या कभी भी लड़ाई होती थी तो सबसे पहले क्या करते थे, वो सबसे पहले जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाता था कि कुछ मंथ के लिए वो राज कर ले तो वो सबसे पहले जो भी एग्रीकल्चरल एरिया है उसको बर्बाद कर देते थे, ताकि जो जगह के लोग हैं वो मतलब लड़ाई ना कर पाए और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, ठीक है। फिर जो सेकेंड लाइन थी फोर्टिफिकेशन की वो इनर कोर में है यानी कि अर्बन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही हाई हाई जो है वो भी वॉल्स बनाए गए थे, ठीक है। यहाँ पे हमें वेल गार्डेड गेटवेज दिखते हैं और ये भी दिखते हैं कि ये मेजर रोड से जो कि मेन रोड है उससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर सिटी तक जाने के लिए मेन जो रोड आती है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। फिर ये जो गेटवेज थे इनके डिस्टिंक्टिव एग्रीकल्चरल फीचर्स थे, ठीक है, बिकॉज अलग अलग हमने देखा कि जो ये है इनमें स्ट्रक्चर्स में बहुत ही प्यारी प्यारी जो है वो आर्ट की गई थी, ठीक है। फिर इसको, ठीक है, जब
ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट चल रही थी उस टाइम पे, इसको टिपिकल फीचर बताया जा रहा था आर्किटेक्चर का, जो कि टर्किश सुल्तान्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सो आर्ट हिस्टोरियंस रेफर कि ये एक इंडो इस्लामिक स्टाइल है, ठीक है, जिसमें एक कॉन्टीन्यूटी होती है इंट्रैक्शन और लोकल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस में इन डिफरेंट रीजन्स। अब हम पढ़ते हैं अर्बन कोर के बारे में। देखो, अगर हम रोड्स के साथ साथ जाए तो वो रोड्स हमें अर्बन कोर तक ले जाती है, ठीक है, क्योंकि दिस इज रिलेटिवली लिटिल आर्कियोलॉजिकल एडवेंस ऑफ हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि काफ़ी जो चाइनीज मतलब प्रोक्लेनियन है ना, वो भी हमें देखने को मिल रहा है कुछ एरिया में, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर अर्बन कोर का, ठीक है, जो कि रिच ट्रेडर्स के बाय मतलब जो ये भी अर्बन कोर है वहाँ पे काफ़ी काफ़ी रिच ट्रेडर्स हैं। फिर मुस्लिम्स के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है, टॉम्स है, मॉस्क है, ठीक है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट, बट वहाँ पे टेंपल्स भी देखने को मिले हमें, कहाँ पर, हम्पी में, ठीक है। सो फील्ड सर्वे ये इंडिकेट करता है कि जो एंटायर एरिया है वहाँ पे बहुत सारे श्राइन्स और छोटे छोटे टेंपल है, ठीक है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर कम्युनिटीज़ में कितने सारे मतलब वेराइटी है, द वेराइटी ऑफ कल्ट परहैप्स सपोर्टेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़। उसके बाद में हमें ये भी देखने को मिला कि वहाँ पे वेल्स भी है, और जो रेन वाटर टैंक्स है वो मंदिर में जो है वो पानी स्टोर होने के लिए बने होते थे, ठीक है, टू द ऑर्डिनरी टाउन डवेलर। सो अब आता है हमारा फोर्थ टॉपिक, द रॉयल सेंटर। ऑल्दो डेजिग्नेटेड एज द रॉयल सेंटर, इट इंक्लूड्स ओवर 60 टेम्पल। रॉयल सेंटर यानी कि जहाँ पर ये महल वगैरह होते थे, ठीक है, तो वहाँ पर लगभग 60 टेम्पल से भी ज़्यादा टेम्पल थे, ठीक है। सो वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला कि हाँ थोड़ा थोड़ा जो है वहाँ पर भी चेंज है। सो वहाँ पर 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस थी जो कि जिनको पैलेसेस आइडेंटिफाई किया गया कि शायद वो पैलेस हो सकते हैं, श्योरिटी नहीं है, बट हाँ हमने ऐसा अंदाज़ा लगाया है, ठीक है। सो एक जो बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला इन स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स के बीच में कि ये ना मंसरी से मतलब एंटायरली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, और जो कि सुपर स्ट्रक्चर है जैसे कि बिल्डिंग, ये पेरिशेबल मटेरियल से बने होते थे, ठीक है। टेम्पल्स जो है वो मैसनरी से बने होते थे, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो एक पेरिशेबल मटेरियल से बना करते थे, ठीक है। द महानवमी डिब्बा, देखो जो किंग्स पैलेस है यानी कि जो राजा का पैलेस है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एनक्लोजर है, ठीक है, और ऐसा हम लोगों ने बोला, शायद अंदाज़ा ये लगाया कि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा पैलेस है तो शायद यहाँ पर राजा वगैरह रहा करते थे, ठीक है। सो जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म यहाँ के हैं वो है सबसे पहला ऑडियंस हॉल, जिसको माना में डिब्बा बोला जाता था, ठीक है। सो ये जो एंटायर कॉम्प्लेक्स है ये मतलब डबल वॉल से सराउंडेड है, ठीक है, विद द स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम। तो बीच में क्या है, एक लड़ाई, एक स्ट्रीट चल रही होती है, मतलब एक गली जा रही होती है, ठीक है। सो जो ऑडियंस है, ऑल हाई परफॉर्मेंस विद स्लॉट्स ऑफ वुडन पिलर्स टू क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। सो सिटी की हाईएस्ट पॉइंट में जो महानवमी डिब्बा होता था वो एक मैसिव प्लेटफॉर्म हुआ था, जो कि बेस से यानी कि लैंड से लगभग 1,000 स्क्वायर फीट ऊंचा जाकर भी हुआ करता था, टू द हाइट ऑफ 40 फीट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक महानवमी डिब्बा है, कैसे ये एक स्टेज जैसी स्ट्रक्चर है। सो काफ़ी हम लोगों ने ऐसा बोला कि हो सकता है यहाँ के ऊपर जो है वहाँ पर यहाँ पर रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म की जाती होगी, और जो बड़े बड़े और जगह, अगर हम इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल ज़्यादा करीब से देखें तो यहाँ पर हमें बहुत ही कार्विंग भी देखने को मिलती है कि इधर कार्विंग की गई होगी, ठीक है। सो ऐसा बोला जा सो कुछ ऐसे जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है वहाँ से हमें महानवमी के बारे में भी कुछ ऐसा लगता है कि जैसे ये महानवमी होगा, और मतलब फिर ये भी लगा हमें कि शायद ये दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि और महानवमी जैसी चीज़ों को भी मनाते होंगे, ठीक है। जो विजयनगर के जो किंग है उन्होंने अपना प्रेस्टीज और अपनी पावर दिखाते थे वो ऐसे ओकेशंस पे जब भी उनको ऐसा कुछ मौका मिलता था तो, ठीक है। सो जो सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी, ठीक है, मतलब द सेरेमनीज परफॉर्म ऑन द ओकेशन, इसमें भगवान जी की मतलब जो भी इमेजेस है उनको पूजा किया जाता था, स्टेट हॉर्स को वर्शिप किया जाता था, फिर जो बफेलो है और एनिमल्स की बलि दी जाती थी, ठीक है। डांस होता था, रेसलिंग मैचेस हुआ करती होंगी, पोजेशन होता होगा मतलब हॉर्स, एलिफेंट और चैरियट्स और शोल्डर्स का, ठीक है। उसके बाद रिचुअल प्रेजेंटेशन, किंग मतलब जब किंग आता होगा तब रिचुअल प्रेजेंटेशन होता होगा, उनके चीफ नायकास का गेस्ट का कैसा मतलब ट्रीटमेंट होता होगा, और कैसे जो है बाकी ओके जो सबऑर्डिनेट किंग्स है वो इस ओकेशन में आते होंगे शायद। ये सब कुछ बेसिकली हम अंदाजे से बोल रहे हैं, ये कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है।
जो महानव्य डिब्बा है वो मतलब आज भी क्या मतलब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि वो एक मतलब रिचुअल को एलोबरेट करने का सेंटर हो सकता है या नहीं, ठीक है। सो स्कॉलर्स ने काफ़ी ऐसी जगह और काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर बाहर निकाले जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे ऑफ आर्म मैन वुमेन लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, और कुछ ऐसे है जहाँ पर रॉयल सेंटर की स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अदर बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर, सो रॉयल सेंटर में क्या क्या बिल्डिंग हुआ करती थी। एक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो एक बिल्डिंग है उसका नाम था लोटस महल, जिसको ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था जब वो आए थे, मतलब जब ब्रिटिश ट्रेवलर्स आए थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने उसको ये नाम दिया था लोटस महल। सो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है, ठीक है। सो जो हिस्टोरियंस है वो मतलब समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये जगह क्यों बनाई है। सो जो मैकेंजी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सजेशन दिया कि जो मैप इसमें बनाए गए हैं उधर हमें कुछ ऐसे काउंसिल चैम्बर भी देखने को मिल रहे हैं, तो शायद ये इसीलिए बनाए जाते थे ताकि जो किंग है वो अपने एडवाइजर्स के साथ बैठ के यहाँ पे बातें कर सके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टेम्पल्स थे वो सेक्रेड सेंटर्स में हुआ करते थे, और कुछ एक जो थे वो रॉयल सेंटर्स में भी देखने को हमें मिले, ठीक है। सो ऐसा ही जो एक बहुत ही स्पेक्टेक्युलर मंदिर है वो है हजारा रामा टेम्पल, ठीक है, जो कि किंग और उसकी फैमिली के लिए शायद वो वहाँ पर रहते होंगे ऐसा लोगों का मानना है, बट वहाँ पे श्राइन में जो भी इमेजेस है वो सारी मिसिंग है, ठीक है। सो पहले तो हमने बोला कि टेम्पल है बट हमने ध्यान दिया कि कोई भी फोटो कोई भी कुछ नहीं है, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे जब वो लोग राजा लोग वो रहा करते थे, बट हमने साथ में ये भी देखा कि इनकी दीवारों में जो है वो रामायणा के स्कल्पचर्स को बनाया गया है, ठीक है, मतलब ऐसे खुदाई करके बनाया गया है। सो काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर्स थे विजयनगर में जो कि शायद डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, बिकॉज हमने ये भी देखा वहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो सर्वाइव कर गई, बट काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ऑफ कोर्स इतने टाइम के बाद जो है वो ख़राब तो हो ही गई होंगी, ठीक है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, द सेक्रेड सेंटर चूजिंग अ कैपिटल। देखो जो रॉकी नर्दन एंड था सिटी का वो तुंगभद्रा मतलब वो तुंगभद्रा बैंक के पास हुआ करता था, ठीक है। लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि जैसे जो मंकी किंगडम जो हमें रामायण को में देखने को मिलता है जैसे वाली और सुग्रीव का, सो उनका ये मानना था कि जो सामने हिल है वहाँ पे ये मंकी किंगडम है अभी भी वाली और सुग्रीव का जो कि रामायण में दिखाया गया है। कुछ ऐसी ट्रेडिशन है जो कि पंपी देवी जो कि मदर गॉडेस थी वहाँ की, वहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने उस हिल में जाके जो है वीरूपक्ष के साथ शादी करी थी जो कि गार्डियन डिटी है उस किंगडम का, ठीक है, जिनको शिव जी का एक फॉर्म माना जाता है कि हाँ वो शिव जी का ही एक फॉर्म है ऐसा उनका मानना था, ठीक है। सो हर साल वो जो है एक बार उस दिन मतलब मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं वीरक्ष जी वीरूपक्ष और पंपा देवी की, ठीक है। सो साल में एक बार जो है वो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं एक फंक्शन के थ्रू, ठीक है। सो हमें काफ़ी जैन टेम्पल्स भी देखने को मिले, ठीक है, जो कि प्री विजयनगर पीरियड से ही थे बट उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होने लग गए, ठीक है। सो टेम्पल बिल्डिंग रीजन जो है उसका एक बहुत ही ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। अगर हम पालवास चालुक्यास होसलाज या चाला डायनेस्टी में जाए तब जाके हमें पता चलेगा कि कैसे ये रीजन बना था, ठीक है। सो रूलर्स जो रूलर्स थे वो कि टेम्पल बिल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया करते थे ताकि वो अपना वो दिखा सके कि हाँ हम कितने अमीर हैं और हम कितने डिवाइन हैं, मतलब हमारा कितना भक्त में हम लीन है ये सब कुछ भी वो दिखाने के लिए ये सब कुछ मंदिर वगैरह बनवा दिया करते थे, ठीक है। सो टेम्पल्स लर्निंग के अलावा भी और कुछ भी था, ठीक है, मतलब उसे पूजा नहीं था, आप वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकते थे, अगर आपको लैंड ग्रांट करनी है अगर आपको टेम्पल का मेंटेनेंस करना है तो ये सब कुछ भी टेम्पल्स में जाके ही होता था। कोसिक्यूली टेम्पल जो है वो धीरे 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 रिलीजियस सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर बन गया, ठीक है। अगर हम रूरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो कंस्ट्रक्टिंग जो मंदिर है उनको बनाना उनको रिपेयर करना और उनको मेंटेन करके रखना अपनी पावर और अपना सपोर्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द किंग्स, ठीक है। सो विजयनगरा में मतलब पंपा देवी और वीरूपक्ष के काफ़ी सारे टेम्पल्स और श्राइन्स हैं, ठीक है। सो जो विजयनगर और ऐसा भी बोला जाता था कि जो विजयनगर का जो किंग है जो भी किंग बनता था विजयनगर में वो वीरूपक्ष के ऑर्डर के लिए के ऑर्डर के थ्रू आया करता था, उनका खुद मतलब वो इसलिए आते थे क्योंकि जो वीरूपक्ष है ऐसा माना जाता था कि जो भी वहाँ पे राजा राज करता था वो वीरूपक्ष का ही अंश हुआ करता था, ठीक है। और जब भी कोई ऐसा ऑर्डर निकलता था कोई भी मतलब वो ऑर्डर साइन करते थे तो उसमें राजा का नाम नहीं वहाँ पे वीरूपक्ष का नाम हुआ करता था जो कि कन्नड स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने मतलब एक रूलर्स को एक और उससे लिंक करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था हिंदू सुरार तराना, जिसका बेसिकली मतलब होता है लाइक हिंदू सुल्तान। ठीक है, सो इवन अर्लियर ट्रेडिशन में भी जो रूलर्स थे विजयनगर के, वो मतलब इनोवेट होने लगे और डेवलप होने लगे, काफ़ी सारे मंदिर बन गए, किंग भी अब जो मंदिर में जाके एक इम्पोर्टेंट कभी कोई ओकेशन होता था तो वो मंदिर में जाया करते थे। ठीक है, उसके बाद नायकास की जो मतलब फिर उनको पता चलता था कि हाँ जो नायकास की इम्पोर्टेंस है एम्पायर में वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जैसे मैं आपको बता रही थी गोपुरम के बारे में, सो ये जो है ये गोपुरम है। ठीक है, गोपुरम एंड मंदापास, देखो इस पीरियड में काफ़ी ऐसे फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं एविडेंस में। ठीक है, जिसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जैसे राया गोपुरम, फिर रॉयल गेटवेज, ठीक है, जो टावर श्राइन्स और मतलब कैसे कैसे वो लोग जो बनाया करते थे चीज़ें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली। ठीक है, ये चीज़ें इसलिए बनाई जाती थी, इनको इतना विशाल और इतना जो सुंदर है इसलिए बनाया जाता था ताकि वो पार्क जो किंग है, एक तो उसकी याद बन के रह जाए, अगर कल को किंग की डेथ हो जाती है वो किंग नहीं रहता तो उनकी याद बन के रह जाए, और दूसरा कि वो ये भी दिखाए कि हम कितने वेल्दी हैं। ठीक है, कि हमारे पास भी रिसोर्सेज है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है कि हम इतना सुंदर जो है वो टावरिंग गेटवेज बना सकते हैं। ठीक है, बट काफ़ी लोगों को अभी भी स्किल्स की जो है वो ज़रूरत थी। और ऐसे जो डिस्टिंक्टिव फीचर हमें देखने को मिलता है वो देखने में को मिलता है मनपदास और पवेलियंस। ठीक है, जो कि एक लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर हुआ करता था, जो कि मतलब जब जो भी एक मंदिर का कॉम्प्लेक्स था वहाँ पे हमें ऐसे देखने को मिलता था। ठीक है, सो अगर हम एक या दो ऐसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि वीरूपक्षा टेम्पल और विट्ठला टेम्पल, ये ऐसे टेम्पल है जहाँ पे पिलर्स में जो है काफ़ी सुंदर सुंदर जो है वो ड्राइंग ड्राइंग में मतलब स्कल्पचर्स दिखाए जा रहे थे। ठीक है, सो वीरूपक्षा टेम्पल जो है वो असल बस अब माना जाता है कि वीरूपक्षा का टेम्पल बनाने में कई सौ साल लग गए थे। ठीक है, सो अब क्योंकि वो टेम्पल इतना ज़्यादा बड़ा भी था साथ में, ठीक है, मतलब काफ़ी मतलब लगभग 100 साल, मतलब काफ़ी टाइम लग गया था ये बनाने में इन शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद राजा कृष्ण जो कृष्ण देव राय थे उन्होंने भी अपना एक्सेशन को मार्क करने के लिए ऐसे पिलर्स वगैरह बनवाए, ठीक है, ताकि वो खुद को और दिखाया जा सके। गोपुरम क्या था वो हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, ये जो टेम्पल्स हैं इनके बहुत वैरायटी ऑफ पर्पस हुआ करते थे, कुछ ऐसे थे कि जो मतलब कुछ ऐसे थे जहाँ पे भगवान जी को अलग जगह पे रखा जाता था, कुछ ऐसे थे जहाँ पे इसके साथ साथ म्यूजिक डांस ड्रामा ये सब कुछ भी होता था, कहीं कहीं पे से पूजा वगैरह होती थी। ठीक है, अलग अलग इनका भी मतलब अलग अलग सिस्टम था। ठीक है, एक और श्राइन के बारे में हम बात करते हैं, विट्ठल टेम्पल। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ के जो प्रिंसिपल डिटी है वो है विट्ठल, जो कि विष्णु का एक अवतार है ऐसा माना जाता है। ठीक है, सो ये जो टेम्पल के कॉम्प्लेक्सेस है इसकी जो एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो ये कि यहाँ पे तो बहुत ही सारे मंदिर है और वो गोपुरम है। ठीक है, गोपुरम बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे स्टोन स्लैब्स और कुछ ऐसे पिलर पवेलियन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि मर्चेंट्स अपने दुकान में जाके बेचा करते थे। ठीक है, उसके बाद जो नायकास है वो अपना ट्रेडिशन और अपने फोर्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करने में और इलेबोरेट करने में लग जाते हैं। ठीक है, अब उनको मतलब टेम्पल बिल्डिंग का जो ट्रेडिशन है उसमें भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा हाथ मारना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट कुछ ऐसे इतने ज़्यादा इतने स्पेक्टिकुलर गोपुरम बनकर आए थे जो कि लोकल नायकास ने ही बनवाए थे। ठीक है, फ्लोटिंग प्लेसेस टेम्पल्स एंड बाजार्स। सो विजयनगर में वेल्थ की अगर हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे फोटोग्राफ प्लान्स एलिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो इनिशियल सर्वे मैकेंजी ने लिया था वो उन्होंने उस बेसिस पे लिया था कि जो ट्रेवलर्स के अकाउंट्स और इंस्क्रिप्शन है वो क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी करी और ASI के पास उसको प्रिजर्व करके रखवा दिया। ठीक है, और जो कर्नाटका डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी और मुस्लिम्स की सॉरी म्यूजियम्स की, उन्होंने भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा था हम्पी को और ज़्यादा स्टडी करने में। ठीक है, और उस टाइम पे हम्पी को नेशनल इम्पोर्टेंस दे दी गई थी कि हम्पी जो है वो पूरी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बाद में 1980s आते आते ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया। ठीक है,
जिसमें विजयनगर के बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताया गया था। ओके अब देखो कैसे मैपिंग की गई थी, कैसे डिवाइड किया गया था विजयनगर को। तो विजयनगर को बेसिकली 25 स्क्वेयर्स में डिवाइड किया गया था, और उन हर एक को नाम दे दिए थे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, मतलब ऐसे जो है अल्फाबेट्स के नाम उनको दे दिया गया थे। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट से इनको फिर से डिवाइड किया गया था और छोटे छोटे स्क्वेयर्स में, ताकि अच्छे से जो है मैपिंग वो की जा सके, ठीक है, और इनको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो डिटेल सर्वे है उसको बहुत ही एक्सट्रीमली पेन स्टिकिंग हुआ होगा और रिकवर भी हो गया है। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मतलब इतने टाइम के बाद, मतलब हम ना ट्रेस कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद स्ट्रक्चर कैसा था, या इतने टाइम के पहले स्ट्रक्चर कैसा था, और कितना आने वाले टाइम पे कैसा हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि प्रडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब रोड, पाथ, बाजार, इनकी भी जो है रिकवरी शुरू हो गई थी। ठीक है, बाद में हमें बहुत ही पिलर बेसिस पे और प्लेटफॉर्म भी देखने को मिले, जो कि थ्री थ्राइविंग मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, उसके बाद जॉन एम फ्रिट्स, जॉर्ज माइशल और एम एस नगारिया राव जैसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी, और उन्होंने बोला कि हमारी जो स्टडी है ऑफ दिस मोन्यूमेंट ऑफ विजयनगर, हमें इमेजिन करना पड़ेगा वो पूरा सीरीज जहाँ पे वैनिश्ड वुडन एलिमेंट्स रहे होंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ पे वुडन एलिमेंट्स भी रहे होंगे, बट इतने टाइम तक जो वुडन एलिमेंट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, राइट। बाद में जाके ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई उनको प्लास्टर से, पेंट से, और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर से उनको डेकोरेट भी किया गया। ऑल दो जो वुडन स्ट्रक्चर्स थे वो गुम हो गए थे, वो ख़त्म हो गए थे, बट स्टिल स्टोन स्ट्रक्चर तो सर्वाइव कर गए थे। ठीक है, एक हमारे पास एक वाइब्रेंट लाइफ है, हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। ठीक है, क्वेश्चंस एंड रिसर्च ऑफ आंसर्स। अब इन आंसर्स की रिसर्च में क्या क्या क्वेश्चन निकल करके आए कि इतने, मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग की गई थी, कैसे कैसे बिल्डिंग बनाई जानी है, क्या मटेरियल, क्या टेक्निक्स, ये सब कुछ कैसे फिक्स की जाती होगी, क्या डिफेंस रिक्वायरमेंट चाहिए होंगे, क्या मिलिट्री प्रिपेयरनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि वो कैसे अपने आइडियाज़ कन्वे किया करते थे पैटर्न्स के थ्रू, राइट। ये सब कुछ भी हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैसे आर्किटेक्चुरल फीचर्स में भी इन्वेस्टिगेशन देखने को मिली, जैसे ऑर्डिनरी मैन, वुमेन, बच्चे, ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो है वो सिटीज़ में ही रहा करते थे और आर्ट्स कोर्ट्स में ही रहते थे। ठीक है, विद दिस इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस, थैंक यू, थैंक यू।